लंबे अरसे से चले आ रहे नगरपालिका अध्यक्ष एवं नगरपालिका के अधिकारी के बीच का शीत युद्ध अब सामने आ गया है। नगरपालिका अध्यक्ष राजेंद्र सलूजा ने नगरपालिका के सीएमओ के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। इसके साथ ही उन्होंने जिला कलेक्टर एवं निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर बताया है कि नगरपालिका में पदस्थ सीएमओ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। वहीं यह भी बताया कि विगत कई वर्षों से नगरपालिका के सीएमओ गुना में ही रह रहे हैं, यहां तक कि उनकी शिक्षा भी गुना में ही संपन्न हुई है। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा ने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि संजय श्रीवास्तव कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और वह चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं साशे में जब मीडिया से नगरपालिका अध्यक्ष ने बात की तो उन्होंने बताया कि संजय श्रीवास्तव जब से पदस्थ हुए हैं तब से नगरपालिका को कांग्रेस ही कट कर दिया है, जिसके चलते हर समय कांग्रेसी कार्यकर्ता उनके कैबिन में बैठे रहते हैं। साथ ही उन्होंने गहरा रोष भी जताया है कि नगरपालिका के द्वारा यह पहली बार था जब गैर महोत्सव निकाले जाने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी का उपयोग करने के लिए 1500 की रसीद काटी गई। आपको बता दें कि पहले भी कई मामलों में दोनों आमने सामने आ चुके हैं। अब देखने लायक होगा कि नगरपालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा के द्वारा दिया गया शिकायती आवेदन क्या रंग लाता है। वो उसको उसने नगरपालिका के चैंबर को कांग्रेसीकरण कर दिया है, इसलिए 3 महीने में सफाई की व्यवस्था बिगड़ी है, जो कि कांग्रेस नहीं चाहती कि बीजेपी का नाम हो, और कांग्रेस के कारण नगरपालिका में रोज आए दिन भूकंप हो रहे हैं। चैंबर उसने अपने कांग्रेसीकरण कर दिया है। आज मैंने निर्वाचन कलेक्टर को चिट्ठी दे के आया हूँ, मतदाता गुना का है संजय श्रीवास्तव, और 1990 में NSUI का जिलाध्यक्ष था, उसका बेटा सिंधिया जी के साथ फोटो फेस करता है, और आज भी वो कांग्रेस का पदाधिकारी के रूप में नगरपालिका में सीएमओ का रूप में कार्य कर रहा है, इसलिए हम 90 दिन में सफाई में पहुँचते हैं। इससे पहले हम बहुत अच्छे स्थान पर थे, हमने जितना विकास किया है आज तक इतना विकास नहीं हुआ। लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी मोदी जी ने जितना पैसा दिया, चौमुखी विकास गुना में हुआ है, बार बार स्टेडियम की बात करते थे, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने एस्ट्रोटर्फ की टेंडर हो गए घोषणा कर दी और वर्क ऑर्डर दे दिया, स्टेडियम का वर्क ऑर्डर दे दिया, केकरी परकम्मा का वर्क ऑर्डर दे दिया, हमने सारे पुल पुलिया बना दिए, सड़कें चोरी हो रही है। 90 दिन में कांग्रेस के मित्रों ने, यहाँ के सांसद जी ने एक पैसा नगरपालिका को विकास के लिए नहीं दिया, सिर्फ बातें करते हैं विकास की, और एक नगरपालिका को कांग्रेसीकरण कर दिया। मैं भी क्लर्क साहब को लेके आया हूँ, अगर निर्वाचन आयोग इसको तत्काल हटाए, अगर नहीं हटाएंगे तो इसके खिलाफ हम कार्रवाई अपने ऊपर दिल्ली तक जाएंगे। और आज भी देख लीजिए सीएमओ का काम है मजार में सवेरे सफाई देखना, आप सवेरे जाके उनके घर पे चेक कर लीजिए, 9 बजे तक घर में सोते रहते हैं, सफाई व्यवस्था देखने नहीं जाते, ये काम सीएमओ का है मेरा नहीं है। मैं जितना मैं जाता हूँ मैं आज भी घूम रहा हूँ, मैं पत्रकार साथियों निवेदन करता हूँ, आप देख के आइए चैम्बर में कितने लोग बैठते हैं, क्या पहले भी तो चैम्बर थे, हमने पक्षपात नहीं किया, जनता हमारी है, अभी हम 34,000 से विधानसभा जीते हैं, नगरपालिका जीते हैं, और हमने पक्षपात नहीं किया, ना कांग्रेसीकरण किया विकास में, हमने पूरे शहर का विकास किया है, चौमुखी विकास आपके सामने, 50 पार्क बना दिए हमने, पूरे पोल बना दिए, 50 पार्क बना दिए, सड़कें बना दी, और अभी हमने स्टेडियम के वर्क ऑर्डर दे दिए, सारे काम हमने करे हैं। नगर पालिका पूर्व मुख्यमंत्री जी ने करोड़ों रुपए दिए, प्रधानमंत्री जी ने 7 करोड़ रुपए से लगभग हमने शौचालय बनाए शहर में, कांग्रेस 90 दिन होगा एक पैसा विकास के लिए नहीं दिया, विकास विकास सांसद जी से एक पैसा नहीं मिला कभी, 15 साल में हमने जितना काम किया है कभी इतना काम नहीं हुआ, हमारी पूर्व में त्रिवेणी सोनी जी थी, उन्होंने करोड़ों रुपए का काम किया, आज हमने काम किया, सूर्य प्रकाश चाचा के विकास की बात आज तक लोग करते हैं, कि सूर्य प्रकाश तिवारी जी जब अध्यक्ष थे तो नगर पालिका का विकास की शुरुआत हुई थी, आज हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं, और 90 दिन में हमें विकास के लिए कुछ राशि, पेयजल संकट है शहर में, पेयजल संकट में एक पैसा नहीं दिया, आज 12 ट्यूबवेलों का वाटर लेवल नीचे चला गया, 3 महीने सीएमओ की स्थिति हो गई है कि भाई वो अपने आप को युवा कांग्रेस का नेता मान रहा है, उसके चैम्बर में देखिए कांग्रेसीकरण हो गया, पूरे दिन कांग्रेस के मित्र बैठ रहे थे, निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया चालू हो गई उसके बाद भी कांग्रेसीकरण है। अभी मैं बस अभी बात करना चाहूँगा कि 5 विकेट अगर जनता को चाहिए, आगजनी हो गई है, क्या उसकी रसीद कटाएंगे हम, उसकी रसीद काटने के और दस कर रहे हो, पानी का टैंकर होली पे इंदौर में 5 विकेट महापौर जी ने पूरे में चलवाई, रंग पंचमी का कार्यक्रम हुआ, क्या कहते हैं टैंकर रखवाए, क्या गुना की होली में संजय श्रीवास्तव सीओ में अब रसीदे कटवा के 5 विकेट देंगे, 1500 रुपए की रसीद कटवाई उन्होंने,
हनुमान चौराहे से गैर निकली है, हनुमान चौराहे से बाजार में उसके बाइसिकल की 1500 की रसीद कटवाई थी सीएमओ गुना ने। क्या तरीका है ये? निर्वाचन आयोग मना कर रहा है गैर कार्यक्रम करने के लिए। कल पूर्व से हनुमान जयंती है, क्या निर्वाचन आयोग ने ये मना कर दिया कि धार्मिक आयोजन नहीं होंगे या पानी की व्यवस्था नहीं होगी उर्स में या हनुमान टेकरी पे मंदिर हनुमान जयंती पे? ये व्यवस्थाएं करना पड़ेगी, हमारी जवाबदारी है। ये पार्किंग में भी तो आपने चार्ज लगाया, पार्किंग में हमारी जानकारी में नहीं है। बापू पार्क में व्यापारियों से 50-50 रुपए की रसीद काटना शुरू कर दिया, ना नोट शीट बनाई, ना कोई नोट शीट सामने आई अध्यक्ष के पास, मोर्चा नहीं खोला है। पूर्व से ही प्रभारी सीएमओ ए क्लास की नगर पालिका में पदस्थ नहीं हो सकते क्योंकि वो युवक NSUI के पूर्व के जिलाध्यक्ष हैं। अनुकंपा नदी पे गुना है, साडोरा 5000 की नगर पालिका है, साडोरा में वो सीएमओ थे और उनको 2 लाख की नगर पालिका में सीएमओ बनाकर भेजा गया है। कांग्रेसीकरण कर दो उसका, गुना मतदाता सूची में उनका नाम है 351 नंबर पर वार्ड नंबर 3 में, गुना के निवासी है, गुना में शिक्षा ग्रहण किया और गुना में ही वो सीएमओ है। इसलिए हमने निर्वाचन आयोग कलेक्टर को दिया है कि तत्काल उनको हटाए और किसी भी मध्य प्रदेश के किसी सीएमओ की नियुक्ति करें। और चूंकि उन्होंने अपने चैम्बर को कांग्रेसीकरण कर दिया है, उनके चैम्बर में पार्टी विशेष के लोग बैठे रहते हैं क्या? पार्टी विशेष के लोग बैठे रहते हैं, इसलिए हमने उनकी शिकायत की। आज विकास अवरुद्ध हुआ है और सफाई में अवरुद्ध हुई है। गुना नगर पालिका ने जो इतना पैसा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी और मोदी जी ने दिया है।